जुलाई महीने में बिना किसी को बताए पाकिस्तान जाने वाली अंजू इसी महीने के आखिरी में वापस भारत लौट रही हैं। उसका कहना है कि वो हर तरह से सवालों का सामना करने के लिए तैयार है। उसने बताया है कि बस कुछ दिनों का ही इंतजार बाकी है, उसके बाद सच सभी के सामने आ जाएगा। भारत की अंजू पहले से शादीशुदा है और अरविंद नाम का उसका पति भी है, वही उसके बच्चे भी हैं, लेकिन जुलाई के मध्य में वो चोरी छिपे पाकिस्तान चली गई थी। उसकी कुछ सालों से पाकिस्तान के नसरुल्लाह से बातें होती थी और धीरे धीरे प्यार हो गया। अब वीजा खत्म हो जाने की वजह से इस महीने के आखिर में वो वापस भारत लौट रही हैं, जिसकी वजह से उस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। पत्रकारों से बात करते हुए अंजू ने बताया कि मेरे माता पिता और परिवार को सभी जानकारी थी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरे खिलाफ अरविंद ने झूठा केस दर्ज करवाया है, जब कोई मुझसे सवाल पूछेगा तो मैं उसे जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अंजू ने दावा किया है कि जब वो पाकिस्तान जा रही थी तो सिर्फ एक हफ्ते के लिए जाना था, उसका प्लान कुछ और ही था, लेकिन वहां जाकर कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि वो ज्यादा समय तक रुकी और नसरुल्लाह से शादी करनी पड़ी। इसी के साथ ही अंजू ने बताया कि मैंने सोचा था कि नसरुल्लाह को भारत लेकर माता पिता से मिलवाऊंगी और फिर शादी करूंगी, लेकिन सब कुछ बहुत अचानक हो गया। उसने आगे बताया कि अगर मेरे बच्चे पाकिस्तान में रहना चाहेंगे तो मैं उन्हें लेकर वापस पाकिस्तान लौट जाऊंगी, लेकिन अगर वो भारत में ही रहना चाहेंगे तो वो वही रहेंगे। अंजू ने बताया कि उसे पाकिस्तान में अपने बच्चों को काफी याद आती है। उसके पाक आने से पहले ही बेटे का एडमिशन भी करवाया था, बच्चों की याद की वजह से उसने कई बार खाना तक नहीं खाया, वही रात रात भर जागती भी रही। उसने कहा कि उसकी बात कोई सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं है।